नमस्कार, मैं हूं पूरन भारती और इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन, हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे इंटरमीडिएट का दूसरा लेसन जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसे कंपोज किया है थॉमस कैरोल ने। इस चैप्टर में इन्होंने ये बताया है कि ब्यूटी क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूटी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल ब्यूटी होती है और दूसरी होती है फिजिकल ब्यूटी। इस पोयम के माध्यम से इन्होंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है, सच्ची सौंदर्यता होती है, या फिर इंटरनल ब्यूटी जो होती है, या फिर चैरेक्टरिस्टिक ब्यूटी जो होती है, चरित्र की जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, ये नेवर डाइज, कभी नहीं मरती है। जो ट्रू ब्यूटी होती है वो कभी नहीं मरती है, जबकि फिजिकल ब्यूटी जो होती है ये नॉट परमानेंट, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। फिजिकल ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं रहती है, अर्थात फिजिकल ब्यूटी जो होती है ये मर जाती है समय के साथ साथ, ये नष्ट हो जाती हैं। जो शारीरिक सौंदर्यता होती है समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो सच्ची सौंदर्यता होती है ये प्रत्येक अवस्था में वैसी ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे शुरू करते हैं, इसमें देखिए बताया है कि ही मिस वह दैट मिस, जो लव्स मिस प्रेम करता है, और रोजी चिक मिस गुलाबी गालों से, अर्थात वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या फिर अ कोरल मिस मूंग जैसा, लिप मिस होंठों की, मूंग लाल होता है तो यहाँ पे कोरल लिप का मतलब है मूंगों जैसे लाल ओठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, या फिर वह व्यक्ति जो मूंग जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, और या फिर फ्रॉम स्टार, स्टार मीन्स तारों जैसी, लाइक मीन्स जैसी, आइज मीन्स आँखों की, या फिर तारों जैसी आँखों की, डॉट सीट मीन्स होता है तलाश करता है, या फिर तारों जैसी आँखों की तलाश करता है, फ्यूल मीन्स ईंधन को, मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मीन्स होता है, यहाँ पे फायर्स का मतलब होता होगा प्रेम की ज्वाला, अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए वो तारों जैसी आँखों की क्या करता है, तलाश करता है। कह रहे हैं कि लेकिन एज, जैसे ही ओल्ड टाइम, बुढ़ापे का समय आता है, मेक्स दीज, ये सारी चीज़ें, डिके मीन्स नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है वैसे ही ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, एंड सो, सो मीन्स ऐसा, या इसलिए हिज फ्लेम्स, हिज फ्लेम्स मीन्स होता है उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, मस्ट मीन्स अवश्य ही, वेस्ट मीन्स वेस्ट अवे, वेस्ट अवे मीन्स नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक सौंदर्यता से प्यार करता है वह व्यक्ति जब बुढ़ापे का समय आता है तो शारीरिक सौंदर्यता चूँकि नष्ट हो जाती है, और जब शारीरिक सौंदर्यता नष्ट हो जाती है तो जो शरीर से प्रेम रहता है वह प्रेम की जो ज्वाला होती है, हिज फ्लेम, वह भी वेस्ट मीन्स नष्ट हो जाती है। इसका हिंदी देखेंगे, ही मीन्स वह दैट, जो कि लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चीक मीन्स गुलाबी गालों से, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या फिर अ कोरल लिप, अर्थात कि मूंग जैसे लाल ओठों की, एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है, और या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अर्थात तारों जैसी आँखों की तलाश, सिक मीन्स तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल मीन्स ईंधन को, मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मीन्स अपने प्रेम की ज्वाला को, अर्थात अपने प्रेम की ज्वाला के ईंधन को बनाए रखने के लिए तारों जैसी आँखों की तलाश करता है, वैसे व्यक्ति का कह रहे हैं कि ये जो सुंदरता है, एज मीन्स जैसे ही ओल्ड टाइम मीन्स बुढ़ापे का समय आता है, मेक्स दीज डिसे, ऐसी जो सुंदरता होती है, ये जो कोरल लिप और स्टार लाइक आइज है, अर्थात कि जो मूंग के जैसे लाल होंठ हैं, गुलाबी गाल, या फिर तारों जैसी आंखें जो हैं, ये बुढ़ापे के समय में डिके मीन्स नष्ट हो जाती हैं, और जब ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं तो सो हिज फ्लेम, जो प्रेमी की जो प्रेम की ज्वाला होती है वो भी मस्ट वेस्ट अवे, वह भी अवश्य ही नष्ट हो जाती है।
बट लेकिन, अगला स्टेंजा में बता रहे हैं कि लेकिन अ स्मूथ अर्थात एक जैसा, स्मूथ मीन्स होता है एक जैसा अर्थात सरल, एंड स्टीड फास्ट, और स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़ माइंड मीन्स मस्तिष्क, लेकिन एक जैसा एवं दृढ़ मस्तिष्क और जेंटल थॉट, जेंटल थॉट का मतलब होता है सुंदर विचार, एंड काम डिजायर, काम डिजायर मीन्स होता है शांत इच्छाएं, अर्थात लेकिन एक जैसा दृढ़ मस्तिष्क सुंदर विचार एवं शांत इच्छाओं वाला, करें कि हार्ट हृदय विथ विथ मीन्स से इक्वल मीन्स समान या एक जैसा या बराबर, लव मीन्स प्रेम कंबाइंड मीन्स जुड़ा हुआ, लेकिन एक समान हृदय से जुड़ा हुआ कंबाइन में जुड़ा हुआ, ए हार्ट विथ इक्वल मतलब एक समान या फिर बराबर हृदय से जुड़ा हुआ, बराबर हृदय से कंबाइन में जुड़ा हुआ लव मीन्स प्रेम, बराबर हृदय से या एक समान हृदय से जुड़ा हुआ प्यार काइंडली मीन्स नेवर डाइंग, नेवर डाइंग मीन्स कभी नहीं, डाई मीन्स मरता है, फेयर मीन्स ज्वाला, लेकिन एक समान हृदय से जुड़े हुए प्रेम की जो ज्वाला होती है यह नेवर डाइंग, यह कभी नहीं मरती है। ये इसका देखेंगे फिर से, बट मीन्स ले, यहाँ से देखिएगा, लेकिन एक जैसा एवं स्टीड फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क एंड जेंटल थॉट सुंदर विचारों वाला, काम डिजायर और शांत इच्छाओं वाला, करें कि हार्ट विथ इक्वल अर्थात कि समान हृदय से कंबाइन मीन्स जुड़े हुए लव मीन्स प्यार, समान हृदय से जुड़ा हुआ प्यार काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, करें कि प्यार की जो फायर मीन्स ज्वाला है नेवर डाइंग कभी नहीं मरती है। इसका हिंदी देखिएगा केवल, करें कि एक जैसा दृढ़ मस्तिष्क सुंदर विचारों वाला एवं शांत इच्छाओं वाला, एक समान हृदय से जुड़ा हुआ प्यार कभी नहीं मरता है, और वेयर मीन्स जहाँ, अगली लाइन में यहाँ पे बता रहे हैं कि वेयर मीन्स जहाँ, दीज मीन्स ये चीज़ें, आर मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, लेकिन जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं अर्थात कि जहाँ ऐसी सुंदरता नहीं है, स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट काम डिजायर, इसके बारे में बता रहे हैं कि जहाँ ऐसी सुंदरताएँ नहीं हैं, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ ऐसे लवली चीक्स प्यारे गालों से, और लिप्स या फिर ओठों से, और आइज या फिर आँखों से, जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जहाँ इस प्रकार की सुंदरता नहीं है, ऐसी सुंदरता जहाँ नहीं है वहाँ मैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे गालों से, ऐसे ओठों से और ऐसे आँखों से घृणा करता हूँ। एक बार टोटल हिंदी देखेंगे, सिर्फ हिंदी, मैं मीनिंग पे इंडिकेट करूँगा कि मैं कैसे अर्थ निकाल रहा हूँ। वह व्यक्ति जो कि गुलाबी गालों से प्रेम करता है या मूंगों जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है या तारों जैसी आँखों की तलाश करता है, अपने प्रेम के ज्वाला के ईंधन को बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए तारों जैसी आँखों की तलाश करता है, करें कि ऐसा व्यक्ति और ऐसी सुंदरता, ऐसे व्यक्ति का प्यार और सुंदरता के बारे में इस लाइन में बता रहे हैं कि ऐसी सुंदरता जो है कि बुढ़ापे के समय में ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, और ये जो नीचे जो प्यार है ऐसा प्रेम भी जो है यह क्या होता है, अवश्य ही ऐसे प्रेम की ज्वाला भी नष्ट हो जाती है, लेकिन एक समान दृढ़ मस्तिष्क वाला सुंदर विचार वाला एवं शांत इच्छाओं वाला, एक समान हृदय से जुड़ा हुआ प्रेम कभी भी नहीं मरता है, और जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं मैं ऐसे गुलाबी गालों से या फिर होठों से या आँखों से नफरत करता हूँ या घृणा करता हूँ। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आसानी से दोबारा मिल सके। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरे वीडियो को प्लीज़, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।